नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग भूलेख में अपना नाम सर्च करते हैं, हमें खाता संख्या और डाटा संख्या नहीं पता होती है, तो नाम डालने में जो है, नाम डाल के जब सर्च करते हैं तो डाटा उपलब्ध नहीं है बताता है। ये दिक्कत खास करके औरतों में होती है। तो चलिए मैं आपको जो है भूलेख में औरतों के नाम कैसे सर्च किए जाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप कर लेना है भूलेख और जो भी आपका स्टेट है। चलिए मैं उत्तर प्रदेश का सर्च करके दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना, यहाँ पे आप क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए जनपद का नाम, तहसील का नाम, ग्राम का नाम और ग्राम का पहला अक्षर चुने लिखा हुआ है। तो मैं पहले अपना जनपद चुन लेता हूँ। मेरा जनपद है उन्नाव, मेरी तहसील है पुरवा, इसके बाद जो है मैं अपने गांव का पहला अक्षर चुन लेता हूं। पहला अक्षर ता है, तूरी छबनाथ मेरे गांव का नाम, तो मैंने ता पे यहां पे क्लिक किया, मैं तूरी छबनाथ पे क्लिक करता हूं। इसके बाद मुझे नाम सर्च करना है यशोदा। जैसे मैं यशोदा लिख के खोजे पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए लिख रहा डाटा उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए मुझे नाम के पहले जो है श्रीमती लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने श्रीमती यशोदा लिख दिया है, इसके बाद खोजे पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे श्रीमती यशोदा मूलचंद और श्रीमती यशोदा, देखिए ये लिख के आ चुका है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप भी किसी औरत का नाम सर्च करते हैं और वो नहीं आता तो उसके नाम के पहले श्रीमती लगा के जरूर चेक करें। और दोस्तों कई सारे लोग एक ये गलती करते हैं कि श्रीमती तो आगे लगा देते हैं, लेकिन ये जो श्रीमती और ये यशोदा में स्पेस रहता है इसको नहीं लगाते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने स्पेस ख़त्म कर दिया, फिर से खोजे पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों फिर से ये दिखा रहा है डाटा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों आप भी ये गलती ना करिए, जब श्रीमती लगाइए तो ये श्रीमती और जो नाम है, नाम के बीच में स्पेस दे दीजिए। देखिए दोस्तों नाम के बीच मैंने स्पेस दे दिया, खोजे पे क्लिक करेंगे अभी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप भी किसी का नाम सर्च कर रहे हैं और नहीं आ रहा तो एक बार आप इस प्रकार से ट्राई कीजिए, आपका नाम आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।